ग्वालियर में रेलवे पुलिस ने एक शख्स से 900 ग्राम सोना जब्त किया है। हाँ, इसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई गई है। आरोपी सोने की चेन और बिस्किट लेकर सागर चौसे होते हुए ग्वालियर पहुंचा था। यह शख्स होने पर पुलिस ने तलाशी ली तो कमर में बंधे कपड़े से सोने के बिस्किट दबकने लगे। आरोपी ने खुद को व्यापारी बताया है। उसका कहना है कि वह सागर झांसी के ऑर्डर लेकर आता है, यहाँ से गहने बना कर देता था। पुलिस ने ज्वेलरी टीम को सूचना दे दी है। जुआरती थाने के SI उमेश मिश्रा ने बताया कि रविवार रात सूचना मिली थी कि एक युवक सोने के गहनों की खेप लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचने वाला है। इसके बाद टीम अलर्ट हो गई। TI ने बताया कि उल्लेख के आधार पर दिखे युवक को रोक लिया। पुलिस को देख युवक ने भागने का प्रयास किया, हालांकि पुलिस ने भी पीछा कर उसे दबोच लिया। GRP ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए युवक की तलाशी ली तो उसके पास से 900 ग्राम सोने की ज्वेलरी जब्त की गई। पकड़ा गया युवक योगेश नागल उम्र 23 साल पुत्र स्वर्गीय नारायण प्रसाद नागल निवासी ग्वालियर है। उसे थाने लाया गया, उसकी तलाशी ली तो कमर में बंधे कपड़े को जैसे ही खोला वैसे ही गोल्ड चेन और सोने के बिस्किट गिरने शुरू हो गए। ये देख पुलिस जवानों की आंखें फटी रह गई। पूछताछ में योगेश नागल ने बताया कि वो सोने चांदी के रेडीमेड आभूषण की बिक्री का काम करता है। सागर व झांसी के कारोबारियों को चेन व बिस्किट के सैंपल दिखाकर ऑर्डर लेकर आता है, बाद में गहनों की सप्लाई करता है। उसके पास से 900 ग्राम वजनी सोने की चेन व आधा दर्जन सोने के बिस्किट मिले हैं। आरोपी को पकड़ने में थाना प्रभारी बबीता कठेरिया, आरक्षक प्रशांत शर्मा व आरक्षक राहुल यादव की भूमिका रही है।